ब्रह्मांड शब्द एक रहस्य अनेक। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तब पृथ्वी, सूर्य, सौरमंडल, आकाश गंगा, अन्य सभी आकाश गंगाओं की तस्वीर दिमाग में बनने लगती है। लेकिन ब्रह्मांड इससे कई ज्यादा रहस्यमयी और विशाल है। इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिन्हें हम शायद कभी देख भी नहीं सकते। इंसानी जीवन इस ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। दृश्यमान ब्रह्मांड। अब आप सोच रहे होंगे कि दृश्यमान ब्रह्मांड क्या होता है। बता दें, हम दृश्यमान ब्रह्मांड के आकार को माप सकते हैं। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, हम इसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं, वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दृश्यमान ब्रह्मांड लगभग 92 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। पैमाने के लिए पृथ्वी सूर्य से केवल 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। अब बात जरा चांद की कर लेते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। क्या आप जानते हैं चांद कितना बड़ा है? चांद एक गोलाकार पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर लगभग 50 चांद फिट कर सकते हैं? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा होगा। सूर्य और चंद्रमा हमारे सौर मंडल के सबसे जाने पहचाने ग्रह हैं। इनका धरती से खास नाता है। सूर्य ना हो तो धरती पर प्रकाश ही ना पहुंचे। वहीं अगर चांद ना हो तो पृथ्वी का संतुलन गड़बड़ा जाए, तबाही आ जाए। आपने भी गौर किया होगा कि सुबह शाम जब भी हम सूर्य या चंद्रमा को उगते हुए देखते हैं तो दोनों बराबर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों का व्यास एक बराबर है, जबकि सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस लिहाज से सूर्य धरती से भी लगभग 109 गुना बड़ा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सूर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है? नहीं, सूर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है। ये एक छोटा तारा है जिसका व्यास लगभग 6,96,000 किलोमीटर है। ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो सूर्य से बहुत बड़े हैं। वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात तारा युवाई स्कूटी है, जिसका व्यास सूर्य से लगभग 1,700 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि युवाई स्कूटी इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी सहित पूरे सौर मंडल को अपने में समाहित कर लेगा। अब बात घूमकर वहीं आ गई। ब्रह्मांड शब्द एक रहस्य अनेक। इस ब्रह्मांड के आगे इंसान और उनके वजूद का महत्व कितना ही रह जाता है, ये तो सोचने वाली बात है।